से आप लोगों के साथ नई और एक एक्सपेरिमेंट वीडियो लेके आ चुके जो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप लोगों को दिखाया था पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने दिखाया था जो वोल्केनो के अंदर कैसे वोल्केनो रिएक्ट करके बाहर आता है, उस चीज को मैंने अगले वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं जो रियल में वोल्केनो कैसे फूटता है और बाहर आता है उसका आग, ठीक है, उसी चीज को हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जो लोग अगले वीडियो देखे नहीं हो, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख लेना, तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगी जो वोल्केनो अंदर कैसा रिएक्ट करता है और बाहर कैसा रिएक्ट करता है। दोनों अलग अलग वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। आगे देख जो वीडियो मैंने बनाया था वो वीडियो में मैं दिखा दिया कैसे अंदर वोल्केनो रिएक्ट करता है और कैसे बाहर रिएक्ट करता है, वो वीडियो अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अभी आप लोगों को जो मॉडल मैंने बनाया है ये मॉडल मिट्टी से बनाया हुआ है और बहुत समय लगा है कर, और आप लोगों को दिखा देते हैं कैसा है। यहाँ पर तीन माउंटेन है, यहाँ पर ये वोल्केनो है और यहाँ पर एक मैंने वाटरफॉल्स लगा दिया है और देख सकते हो छोटा सा पहाड़ इधर भी है। ऐसे पूरी सेटअप मैंने बनाया हुआ है, पूरी सेटअप को अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा देते हैं कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना। और देख सकते हो कैसे दरार जो वोल्केनो होता है वोल्केनो के चारों तरफ जैसे दरार होता है उसी तरह मैंने इस मिट्टी को धूप में रखने से तो इस तरह दरार दिखाई दे रही है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं वाटरफॉल्स है, वाटरफॉल्स कैसे ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे चला जा रहा है। छोटी छोटी मैंने पेड़ भी इसके ऊपर लगा दिया है। इसके अंदर एक कंटेनर है, इसके अंदर हम जो मटेरियल्स बाहर आएगी उसी मटेरियल्स को इसके अंदर हम डालेंगे। और ये देख लो कैसा दिखता है ये चीज, देख लो ये जो वोल्केनो का मैंने मॉडल बनाया हुआ है ये कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा आप लोग बताना, ठीक है। और मैं इस चीज़ को बनाने में करीब करीब 2 दिन का समय लग चुका है और इसी चीज़ को अभी हम दिखाने वाले हैं कैसे इसका इस वोल्केनो के अंदर से आग बाहर निकलती है, उसी चीज़ को मैं दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो जो प्लास्टिक मग के अंदर जो चीज़ है ये मिट्टी है और आप लोग जानते हो देश का मिट्टी का ताकत कितना है, और हम इसी मिट्टी को उस कंटेनर के अंदर डालने वाले हैं। आधा कंटेनर भर देंगे इस मिट्टी से। कंटेनर के अंदर करीब करीब आधा मिट्टी मैंने भर दी, चलाना पड़ेगा जो वोल्केनो के अंदर मैं डालूंगा। और आप लोगों को दिखा कैसे मिट्टी डाल दिया है इसके अंदर और मिट्टी के ताकत के ही हम दिखाने वाले हैं। और अभी तो क्या करेंगे हम इस ग्लास को भरते होंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। देख सकते हो पूरी ग्लास मैंने भर
दे चुके हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जब हम उस वोल्केन के अंदर हम डालेंगे तब बहुत सेफ्टी लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है हमारे हाथों में पड़ने से हाथों में छाले पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं ग्लव्स को पहन ले रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे हाथों में पड़ने से छाले पड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, ये भी एक तरह का दवा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम इस ग्लास में इस मिक्सर को तैयार करेंगे। और ये देख सकते हैं मैंने एक बोतल फूड कलर ले चुके हैं। अभी इस फूड कलर को थोड़ा सा इसमें से इस ग्लास में इस फूड कलर को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। मैं एक शैम्पू का यूज कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी लोग साबुन का भी यूज कर सकते हो। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हो चुका है। हम अभी क्या करेंगे, इस ग्लास को लेके बाहर जाएंगे और बाहर जाके इसे उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अभी चलते हैं बाहर। अभी तो मैं इस मिक्सर को लेके आ चुका हूँ बाहर। अभी क्या करना है, इसके अंदर इसे मिक्सर को हम डालेंगे। जैसे ही ये वोल्केन के अंदर रिएक्ट करता है उसी तरह देख सकते हो रिएक्ट कर रहा है, कैसे आग की तरह बाहर आ चुका है। अभी आप लोग देख सकते हो जैसे वोल्केन रिएक्ट करता है उसी तरह ये भी रिएक्ट कर रहा है। देखो जैसे वोल्केन से आग बाहर निकलना शुरू हो जाता है उसी तरह देखो आग कैसे नीचे आ रही है। से बाहर आ रही है आग की तरह धीरे धीरे करके। मैंने ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करके दिखाया, वोल्केनो एक्सपेरिमेंट, कैसे वोल्केनो का अंदर रिएक्ट करता है कैसे बाहर रिएक्ट करता है। दो दो अलग अलग वीडियो में मैंने दिखाया। और आप लोगों को कैसा लगा ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, देखो कैसे पेड़ पौधे को जो आग अपने अंदर ले लेती है उसी तरह इसे भी इसके अंदर ले चुका है। और अभी भी देख सकते हो कैसे रिएक्ट कर रहा है ऊपर। अभी इसके अंदर की जो चीजें बाहर आने की कोशिश कर रहा है।
और इस एक्सपेरिमेंट को अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना। रिएक्ट करके बाहर आता है, जो मैंने करके दिखाया है ऐसा कुछ आप लोग घर पर कभी मत ट्राई करना, क्योंकि हाँ मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो पूरी सेफ्टी के साथ ही बनाता हूँ, ठीक है। और आप लोग ऐसा कुछ घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड आपकी हाथों में गिर सकती है, हाथों पे गिरने से आपको छाले आ सकते हैं। और आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और हम लोग चलते हैं और अगली वीडियो जल्दी